क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक का टायर फटने से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। टायर फटने के धमाके से ट्रक का डीजल टैंक भी फट गया और ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय एक्सप्रेसवे की एक साइड की रोड को बंद कर रखा था, जिस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आप देख रहे हैं ट्रक का टायर फटने की वजह से यह ट्रक में भयंकर आग लग गई और जैसे ही ट्रक का जो टायर है वो फटता है उसके बाद सीधे जो पेट्रोल टैंक है वहां पर भी वो उसकी चपेट में आ जाता है और धीरे धीरे ये आग बढ़ती चली जाती है। लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है क्योंकि उस वक्त ज्यादा आवाजाही थी नहीं और उस वक्त उस साइड का रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। तो टायर के फटने से ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर पहुंच करके फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर आग पर काबू पा लिया गया है और ये उस वक्त की तस्वीर है जब अचानक से ट्रक में टायर फटने की वजह से आग लग जाती है और आग धीरे धीरे पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन तुरंत ही सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है, दमकल विभाग को जानकारी दी जाती है और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। तो हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से कई बार ऐसे ही सड़क हादसे होते हैं, टायर फटने की वजह से कई बार जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी जानकारी कई बार मिलती है कि टायर फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ और ये भी एक बड़ा कारण टायर फटना ही हुआ और ट्रक का अचानक से टायर फट जाता है जिसकी वजह से ट्रक में आग लग गई है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ट्रक में आग लग जाती है और इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये आग लगती है। टायर फटने की वजह से दरअसल ये आग लगने की घटना हुई है। आग बहुत तेजी के साथ इस पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लेती है। जानकारी तुरंत ही दमकल विभाग की गाड़ियों को दी जाती है। दमकल विभाग को ये सूचना दी जाती है कि अचानक से एक ट्रक में आग लग गई है और जैसे ही जानकारी मिलती है उसके बाद तुरंत ही इस पर कदम उठाया जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन तब तक ट्रक का काफी हिस्सा जल चुका था, उसमें आग लग चुकी थी और काले धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। ट्रक का जो कि इस आग की चपेट में आ चुका था। खबरें और भी हैं दिखाएंगे आपको लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।